रामपुर के गवर्नमेंट स्कूल की प्राचार्य की हिटलरी फरमान से परेशान छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की, साथ ही ज्ञापन सौंपा और बेहतर हल निकाले जाने की मांग की। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने स्थित गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल की छात्र छात्राएं स्कूल की प्राचार्य के खिलाफ लामबंद होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने प्राचार्य की हिटलरी के फरमान की दास्तान सुनाकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप डाला। इस दौरान उपस्थित बच्चों के बीच पहुंचकर शहर विधायक अरुण वोरा व जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन ने भी छात्र छात्राओं का साथ देते हुए प्राचार्य के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई, साथ ही उन्होंने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। गवर्नमेंट स्कूल में जो स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम का स्कूल प्रारंभ किया गया है, वहाँ के प्राचार्य के संदर्भ में 12वीं क्लास के बच्चों ने आकर ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय का, और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि जो व्यवहार उनको प्राचार्य से मिलना चाहिए बच्चों को, वो व्यवहार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने सुना है बच्चों को और बच्चों की पूरी मदद करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी से भी कह दिया है और कलेक्टर को भी वो ज्ञापन देके गए, वो भी पूरी कार्रवाई को सजग करेंगे। अभी आत्मानंद स्कूल से बच्चे आए हैं और उनको काफ़ी गंभीर समस्या है, उनकी समस्या को देख कर तो मुझे ऐसा लगा कि कितने ज़्यादा परेशानी में ये लोग सहन कर रहे हैं। वहाँ की प्रिंसिपल संजीता मैडम है जो लगातार बच्चों को प्रताड़ित करी, इवन अपने जो टीचर पढ़ाते हैं उनके खिलाफ इनसे लिखवाती है और बच्चों को टॉयलेट तक के जाने के लिए छुट्टी नहीं देती। ये तो बहुत ही दर्दनाक कृत्य है जिसके लिए उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और हम मैंने अभी जिला शिक्षा अधिकारी से भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि तत्काल एक्शन लिया जाएगा और यदि एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। जी सर, पहली शिकायत तो ये है सर कि हमारे स्कूल में अभी हमारी प्रिंसिपल मैम जो गत वर्ष 2 दिसंबर 2021 को ही हमारे स्कूल पे आई थी सर, कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल मैम ने बहुत सारे नियम बनाए जिसका हम सभी विद्यार्थी ने और सभी शिक्षकगण ने बहुत अच्छे से नियम का पालन किया सर, लेकिन अभी कुछ दिनों से प्रिंसिपल मैम जी और बहुत सारे नियम बना रही है और सरकार के नियम के विरुद्ध वो स्कूल का टाइम जो है वो 10 बजे की थी। अगर बच्चे 10:15 तक भी स्कूल आते, क्योंकि स्कूल का टाइम सर 10:30 दिया गया था, लेकिन अगर बच्चे 10:15 तक भी स्कूल आते हैं तो उनको लेट कमर्स कहकर उनको सर 1-1 घंटे तक पनिश करते हैं और उनको घर भी भेज दिया जाता है। और अगर हम लड़कियों की परेशानी की बात करूँ तो सर उन दिनों जैसे कि हम लड़कियों को अगर पीरियड आता है तो सर स्कूल में पैड की भी सुविधा नहीं है, और अगर हम टीचर को ये चीज़ के लिए जाते हैं सर मांगने के लिए तो हमको पैड भी वहाँ से नहीं मिलता और प्रिंसिपल मैम के द्वारा हमको छुट्टी भी नहीं मिलता सर, तो हम लड़कियों को कहीं ना कहीं सर शारीरिक पीड़ा के साथ साथ एक मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ रहा है सर। और अभी कुछ दिनों से प्रिंसिपल मैम जो है वो भी स्कूल में जो भी चीज़ चल रहा है सर उसके कारण प्रिंसिपल मैम हम बच्चों को बंद कमरे में टीचर के खिलाफ एक्शन लिखवाती है कि टीचर के बारे में ऐसा लिखो वैसा ही लिखो करके, और उस आवेदन के खिलाफ फिर अपने हमारे टीचर को हमारे सामने ही सर लज्जित करती है। हम सभी बच्चे यही चाहते हैं कि सर हमारे स्कूल में हमारे टीचर भी सर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इस तनाव पे हैं और हम बच्चे भी, और सर हम बच्चे लोग सब बोर्ड वाले हैं, 2 महीने बाद हम लोग का बोर्ड का परीक्षा भी आने वाले सर, और अगर स्कूल का सर ऐसा माहौल रहा तो हम बच्चे लोग कहीं भी सभी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएंगे सर। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर जो खड़े सर जितने भी अधिकारी हैं उन लोग का सर जितना भी जो भी जवाब रहेगा सर जो भी निर्णय रहेगा वो हम सब बच्चों के लिए अच्छा होगा सर, लाभदायक होगा, तो अगर मैम लोग सर जो भी निर्णय लेते हैं सर वो हमारे लिए सही साबित होगा सर, कैसा भी निर्णय ले सर वो हमको मंजूर है सर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।